बिहार के दरभंगा में पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों की हालत खराब है, हम और मुकेश सहनी महागठबंधन के पक्ष में घूम रहे हैं। उधर से कभी राजनाथ सिंह, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह आ रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यानी उनके जो स्थानीय व अलायंस के नेता हैं सभी बेकार हैं। उन लोगों से काम नहीं चल रहा है, अब हालात तो इन लोगों का भी खट्टा हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन के साथ साथ तानाशाह किंग जोन को बुलाकर प्रचार करवा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इन लोगों का हालत खराब है, अकेले हम मुकेश सहनी जी घूम रहे हैं महागठबंधन के पक्ष से, और उधर राजनाथ सिंह आ रहे हैं, कभी नड्डा जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बार बार कूद कूद कह रहे हैं। यानी इनके जो स्थानीय नेता हैं वो बेकार हैं, इनके जो स्थानीय पार्टनर अलायंस वाले जो नेता हैं वो सब बेकार हैं, उन लोगों से काम नहीं चल रहा। अब हालत तो इन लोगों का भी खट्टा हो रखा है, अब प्रधानमंत्री जी आए या राजनाथ सिंह जी आए, हम तो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लीजिए, उधर से पुतिन को भी बुला लीजिए, उधर जो तानाशाह नॉर्थ कोरिया का जो है किम जोंग को भी बुला लीजिए, सबसे प्रचार करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं उन्होंने आरक्षण के सवाल पर चिराग पासवान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूर्व में चिराग पासवान ने कहा है कि जो संपन्न दलित हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो संपन्न दलित चिराग पासवान नहीं है क्या? समस्तीपुर से जिन्हें टिकट मिला वो लोग संपन्न नहीं है क्या? जिनको जमुई से टिकट मिला वो संपन्न नहीं है क्या? ये बात तो हमने नहीं कही, खुद चिराग पासवान ने कही थी। चिराग पासवान जी ने ये बात कहा है पूर्व में कि जो संपन्न दलित है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो संपन्न दलित चिराग पासवान जी नहीं है क्या? समस्तीपुर से टिकट मिला वो लोग नहीं है क्या? जिनको जमुई से टिकट मिला वो नहीं है क्या? ये मेरा बयान तो है नहीं, ये तो चिराग पासवान जी ने कहा था। तो चिराग पासवान जी को हमने रिमाइंड कराया कि भाई आप तो जो संविधान में जो प्रावधान है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं, और बीजेपी के नेता कई बार मंच पे उनके उम्मीदवार हों, एमपी हों, चाहे बिहार में हो, हमने तो वीडियो भी डाला था जो गया में उनके लोग बोल रहे थे कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, कौन बोल रहा था, ये लोग तो कर ही रहे, तो मानसिकता क्या है इसका? वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बात को हमने चिराग पासवान को रिमाइंड कराया है कि संविधान में जो प्रावधान है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, उन्होंने जो आरक्षण दिया है आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कई बार मंच पर उनके उम्मीदवार हों, एमपी हों, चाहे बिहार में कह चुके हैं, हमने तो वीडियो भी डाला था जो गया में उनके लोग बोल रहे थे संविधान को खत्म कर देंगे, ये लोग तो कर ही रहे हैं। दरभंगा से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।